खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका राजस्थान संवाद में और मैं हूं आपके साथ विनीता। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के साथ ही RSS ने राजस्थान में अपनी सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बार बार RSS को टारगेट करते हुए फ्रंट पर आकर खेलने की आमंत्रित करना शायद अभी भारी पड़ता नजर आ रहा है। राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार हारने के बाद एक और जहां अशोक गहलोत बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई है। हालांकि इस बार भाजपा की बागडोर वसुंधरा राजे के हाथ में नहीं होकर केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश में RSS और कुछ RSS से जुड़े नेताओं के हाथ में नजर आ रही है। इससे पहले पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा था कि 23 मई को लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद में राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को इस्तीफा देना होगा, राज्य में कोई दूसरा मुख्यमंत्री शपथ लेगा। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया। उसके कुछ ही दिनों बाद पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा था कि कांग्रेस ने 23 विधायक उनके संपर्क में है और जल्द ही राजस्थान की कांग्रेस सरकार अपना स्थान छोड़ने वाली है। ताजा घटनाक्रम के तहत राजस्थान में RSS को सक्रिय बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि RSS के कई पदाधिकारी इस काम में जुटे हुए हैं और सबसे पहले स्वर्ण जातियों को कांग्रेस में जो विधायक है उनसे संपर्क किया गया है। कांग्रेस पार्टी साथ छोड़कर BJP के पक्ष में लाने का प्रयास तेज कर दिया गया है। विधायकों को मंत्री पद से और कई अन्य प्रलोभन दिए जाने की चर्चा BJP और कांग्रेस मुख्यालय में होने लगी है। बहरहाल दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, जिसमें से अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। लेकिन इतना तय है कि आने वाले कुछ ही दिनों में राजस्थान की सियासत बड़ी करवट ले सकती है। So if you want to explain a spokesperson or testimonial video for your business or make any kind of promotional video, we are always just a call away.